हेलो एवरीवन, दिस इज़ डॉक्टर अनुज कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट। और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं जैकोबियन का एक एग्जांपल, काफ़ी इम्पोर्टेंट एग्जांपल। जैकोबियन को लेकर मेरी ऑलरेडी दो डिटेल वीडियो बनी हुई है, जैकोबियन प्रॉपर्टीज़, इम्प्लिसिट फंक्शन का जैकोबियन, उन दोनों वीडियोज़ में मैंने निकालना सिखाया है। और हर मेथड के मैंने एक एक क्वेश्चन को सॉल्व करना आपको सिखाया है। आज हम जैकोबियन का एक काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, प्रॉपर्टी नंबर 4 को लेकर के। क्वेश्चन हमारा है, शो डैट द फंक्शंस, तीन फंक्शंस हमें गिवन है, u, v, w आर फंक्शनली रिलेटेड। हमें प्रूफ करना है कि ये जो फंक्शंस हमें गिवन है ये फंक्शनली रिलेटेड है। और फंक्शनली रिलेटेड का मतलब होता है कि आपस में डिपेंड करते हैं, और डिपेंड अगर ये आपस में करते हैं तो मैंने आपको बताया था यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में अगर हम निकालते हैं तो वो जीरो के इक्वल आना चाहिए, तब हम कहते हैं कि डिपेंडेंट है या फंक्शनली रिलेटेड है। फाइंड द रिलेशन बिटवीन देम, फिर हमें रिलेशन भी फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन स्टार्ट करते हैं। सॉल्यूशन में जो हमें गिविन फंक्शंस है वो पहले लिख देते हैं। गिविन है आपको यू, जो कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड होगा। गिविन है आपको v, जो कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स है। और गिविन है आपको w, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। इसको हम इक्वेशन 1 का नाम देंगे, इसको इक्वेशन 2 का नाम देंगे, और इसको इक्वेशन 3 का नाम देंगे। अगर हमें इनको फंक्शनली रिलेटेड दिखाना है तो इसका मतलब होगा हमें इनको डिपेंडेंट दिखाना होगा, और डिपेंडेंट दिखाने के लिए हमें यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में निकालना है, उसको जीरो के इक्वल प्रूफ करना है ना। नाउ अब हम निकालते हैं जैकोबियन ऑफ यू वी डब्ल्यू, और ये होता है यू वी डब्ल्यू का जैकोबियन इंडिपेंडेंट वेरिएबल एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। और जैकोबियन का फॉर्मूला मैंने आपको बनाना बता रखा है वीडियो में। यू वेरिएबल को लेंगे, यू का एक्स के रेस्पेक्ट में, यू का वाई के रेस्पेक्ट में, यू का जेड के रेस्पेक्ट में। फिर हम वी वेरिएबल को लेंगे, वी का एक्स के रेस्पेक्ट में, वी का वाई के रेस्पेक्ट में, वी का जेड के रेस्पेक्ट में। फिर हम लास्ट वेरिएबल डब्ल्यू को लेंगे, डब्ल्यू को एक्स के रेस्पेक्ट में, डब्ल्यू का वाई के रेस्पेक्ट में, और डब्ल्यू का जेड के रेस्पेक्ट में हम पार्शियल डिफरेंशिएशन कर देंगे। अब हमें यहाँ पर इस डिटरमिनेंट में सारी वैल्यूज़ पुट करनी है ऊपर से, मतलब हमें डिफरेंशिएशन करना है और वैल्यूज़ को पुट करना है। अब यू का अगर एक्स के रेस्पेक्ट में करते हैं डिफरेंशिएशन, यू हमारा ये ऊपर है इक्वेशन 1 में, तो इक्वेशन 1 का यूज़ करेंगे पहले हम। इक्वेशन 1 का हम एक्स के रेस्पेक्ट में करें पार्शियली, तो एक्स के रेस्पेक्ट में एक्स का 1 होगा, वाई जेड कॉन्स्टेंट 0 हो जाएगा, तो आपको 1 मिलेगा। ऐसे ही वाई के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा, ऐसे ही जेड के रेस्पेक्ट में करेंगे तो 1 मिलेगा। तो ये हो जाएगा यू का डिफरेंशिएशन। सेम तरीके से हम वी का करेंगे एक्स वाई जेड के रेस्पेक्ट में। जब एक्स के रेस्पेक्ट में करेंगे तो एक्स स्क्वायर का होगा 2x, और वाई स्क्वायर का 0, जेड स्क्वायर का 0, क्योंकि एक्स के रेस्पेक्ट में वाई जेड कॉन्स्टेंट होते हैं, माइनस टू एक्स वाई का हो जाएगा माइनस टू वाई जेड कॉन्स्टेंट है 0 हो जाएगा, माइनस टू जेड एक्स का होगा माइनस टू जेड कॉन्स्टेंट एक्स का 1। तो ये हमारा एक्स के रेस्पेक्ट में होगा। सेम तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में हम करेंगे, वाई के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमारा आएगा 2y माइनस टू एक्स और माइनस टू जेड। फिर हम करेंगे जेड के रेस्पेक्ट में, तो जेड के रेस्पेक्ट में आएगा 2z माइनस 2y माइनस 2x। अब हम करेंगे इक्वेशन 3 का, w का x के रेस्पेक्ट में, y के रेस्पेक्ट में और z के रेस्पेक्ट में। तो x के रेस्पेक्ट में अगर इक्वेशन 3 का हम डिफरेंशिएशन करते हैं तो एक्स क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर, वाई क्यूब का 0, जेड क्यूब का 0, माइनस 3xyz का, 3yz कॉन्स्टेंट होगा, x का 1। सेम तरीके से वाई के रेस्पेक्ट में, सेम तरीके से जेड के रेस्पेक्ट में,
तो ये डिटर्मिनेंट हमें मिल जाएगा जब जैकोबियन में हम सभी डेरिवेटिव्स की वैल्यू रखेंगे इक्वेशन 1, 2, 3 से। अब हमें इस डिटर्मिनेंट को सॉल्व करना है, डिटर्मिनेंट को सॉल्व करके दिखाना है 0 के बराबर है, तब हम कहेंगे कि फंक्शनल आपस में रिलेटेड है। अब 0 इसको बनाने के लिए पहले इसमें जो कॉमन है वो हम कॉमन निकाल लेते हैं। अगर थोड़ा सा आप ध्यान दें तो ऊपर 1, 1, 1 रहेगा, दूसरी रो में हमारा 2 कॉमन आ जाएगा, तीसरी रो में 3 कॉमन आ जाएगा, और हमारा क्या बचेगा वहाँ पर x माइनस वाई माइनस जेड और y माइनस x माइनस जेड और जेड माइनस वाई माइनस एक्स एंड 3 कॉमन लेने पर एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड और जेड स्क्वायर माइनस एक्स वाई। अब डिटर्मिनेंट में जो बाहर है वो 6 हो जाएगा हमारा। अब डिटर्मिनेंट में आपको मैंने बता रखा है कि अगर हमारे इस तरीके से फर्स्ट रो या सेकंड रो या थर्ड रो में 1, 1, 1 आ जाते हैं तो हम ऑपरेशन लगाते हैं और इस 1 को 0 बनाते हैं, इस 1 को 0 बनाते हैं। तो अब हमारा काम है ऑपरेशन लगाना और इन दोनों 1 को 0 बनाना। तो C2 को हम ऑपरेट करेंगे और C2 माइनस C1 कर देंगे, C3 को हम ऑपरेट करेंगे और C3 माइनस C1 कर देंगे। ठीक है, मतलब हमें C2 में से भी C1 घटाना है और C3 में से भी C1 घटाना है। C1 हमारा सेम रहेगा, C1 की वैल्यू हमारी है 1 x माइनस वाई माइनस जेड और एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड, C1 सेम रहेगा। C2 माइनस C1 1 माइनस 1 0 होगा, है ना, और फिर y माइनस x माइनस जेड में से घटाना है x माइनस वाई माइनस जेड जो कि दोनों प्लस के हो जाएंगे, x से x कट जाएगा और देखा जाए तो यहाँ पर हमें x से x हमारा कटेगा, सॉरी ये मैंने मिस्टेक कर दी, x से x यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर हमारा कटेगा z से z क्योंकि z माइनस z प्लस तो ये कट जाएगा। y दोनों पॉजिटिव है तो 2y हो जाएंगे, x दोनों नेगेटिव है तो माइनस 2x हो जाएंगे, यानी कि इसमें से हम 2 को कॉमन ले सकते हैं और अंदर हमें मिलेगा y माइनस x। सेम तरीके से जब हम वाई स्क्वायर माइनस एक्स जेड में से घटाएंगे एक्स स्क्वायर माइनस वाई जेड तो ये क्या मिलेगा भाई, y और x को एक साथ लिख देता हूँ तो वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर हो जाएगा और बाकी इसमें से कॉमन आ जाएगा z, माइनस z कॉमन ले लेंगे, सॉरी हमें माइनस करने तो ये प्लस का हो जाएगा, प्लस z कॉमन ले लेंगे, माइनस करने पर एक्स स्क्वायर माइनस का वाई जेड प्लस का होगा, जेड कॉमन ले लेंगे और जेड कॉमन लेकर के वाई माइनस एक्स मिलेगा। सेम तरीके से C3 में से C1 घटाते हैं तो एलिमेंट भी 0 आएगा, ये एलिमेंट हमारा आ जाएगा 2 × z − x और यहाँ पर भी हमें मिलेगा जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और प्लस ऐसे ही हम यहाँ पर y कॉमन लेंगे जेड माइनस एक्स। तो इसको दोनों ऑपरेशंस को लगाने पर ये डिटर्मिनेंट हमारा बन जाएगा। अब हम इसको केवल 1 के कोरस्पोंड ओपन कर सकते हैं, 1 के कोरस्पोंड अगर ओपन करें तो 2/2 का डिटर्मिनेंट ये रह जाएगा और 2/2 के डिटर्मिनेंट में कौन आएगा, ये पोर्शन आएगा और ये यहाँ तक आ जाएगा क्योंकि 1 के कोरस्पोंड एक्सपेंड होगा, ये दोनों 0 होने पर बाकी 2/2 के डिटर्मिनेंट 0 हो जाएंगे। तो इससे आपको मिलेगा कितना, 2 × y − x और यहाँ से मिलेगा आपको 2 × z − x और नीचे आपको मिलता है वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को भी मैं वाई माइनस एक्स वाई प्लस एक्स लिख सकता हूँ और प्लस जेड इंटू वाई माइनस एक्स लिख देंगे और यहाँ पर भी हम जेड माइनस एक्स जेड प्लस एक्स लिख देंगे जेड स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर को और वाई जेड माइनस एक्स। अब हमें देखना है इसमें से कॉमन क्या आ सकता है, ऊपर वाली रो से 2 कॉमन आ जाएगा, है ना, और नीचे वाली रो से देखा जाए तो वाई माइनस एक्स कॉमन आ जाएगा, वाई माइनस एक्स कॉमन लेकर के बचेगा वहाँ पर क्या, वाई माइनस एक्स बचा और जेड माइनस एक्स बचा ऊपर और नीचे हमें मिलेगा
वाई माइनस एक्स कॉमन लेने पर एक्स प्लस वाई प्लस जेड, और ये हमारा सॉरी वाई माइनस एक्स पहले कॉलम से कॉमन लेना है, वाई माइनस एक्स हमें पहले कॉलम से कॉमन लेना है, तो यहाँ पर हमारा वन बचेगा, यहाँ पर क्या बचेगा वन, और नीचे बच जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। ऐसे ही जेड माइनस एक्स हम कॉमन ले लेंगे दूसरे कॉलम से, दूसरे कॉलम से जेड माइनस एक्स कॉमन ले लेंगे, तो वहाँ पर बचेगा वन, है ना, और ये हमें मिलेगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और अगर इसको आप एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी कॉमन ले ले, एक्स प्लस वाई प्लस जेड को भी अगर हम कॉमन ले लेते हैं, तो अंदर डिटर्मिनेंट बना टू बाई टू का, जो कि वन 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 होगा, इसको सॉल्व करके क्या आएगा जीरो। यानी कि यहाँ पर जो आपने जैकोबियन निकाला है यू वी डब्ल्यू का, वो हमारा आया है जीरो के इक्वल। और जब जैकोबियन जीरो के इक्वल आता है तब हम कहते हैं यू वी डब्ल्यू फंक्शनली रिलेटेड है, यानी कि डिपेंडेंट है। देयरफॉर यू वी डब्ल्यू आर फंक्शनली रिलेटेड, फंक्शनली रिलेटेड, फंक्शनली रिलेटेड भी लिख सकते हैं या डिपेंडेंट भी लिख सकते हैं। वो डिपेंडेंट है, फंक्शनली रिलेटेड है, तो उनके बीच में कुछ ना कुछ रिलेशन होगा। आधा काम तो होता है जैकोबियन को जीरो दिखाना, इससे हमें प्रूफ कर सकते हैं कि ये फंक्शनली रिलेटेड है। अब आधा वर्क होगा हमारा रिलेशन को बनाना। अब हम इक्वेशन वन टू थ्री को यूज़ करेंगे, और इक्वेशन वन टू थ्री का यूज़ करके हम यू वी डब्ल्यू में रिलेशन बनाएंगे। यू वी डब्ल्यू में रिलेशन बनाने का मतलब है कि हमें यहाँ पर एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करना होगा, ठीक है। अब एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको मैं मिटा देता हूँ। तो हमने पहले क्या करना है, जैकोबियन को जीरो दिखाना है, जिससे कि ये हमारा फंक्शनली रिलेटेड हो जाएगा। अब हम इन यू वी डब्ल्यू का यूज़ करेंगे और एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले हम इसमें इक्वेशन टू को उठा लेते हैं, और इक्वेशन टू हमारी है जो वी के इक्वल है, है ना। इक्वेशन टू से हमने वी को उठाया, और वी को अगर उठाए तो वी की वैल्यू है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर माइनस टू एक्स वाई माइनस टू वाई जेड माइनस टू जेड एक्स। हमेशा ध्यान रखना, ये जो रिलेशन हम यू वी डब्ल्यू में बनाते हैं एक्स वाई जेड को एलिमिनेट करके, ये काफ़ी टेढ़ा काम होता है। इसमें प्रैक्टिस अच्छे से आप कर लीजिएगा, नहीं तो आप रिलेशन नहीं बना पाएंगे, प्रैक्टिस का इसमें खेल होता है। अब देखो इसमें सबसे पहली ट्रिक क्या लगेगी, हम क्या करते हैं इसमें एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें मैंने टू एक्स वाई ऐड किया और टू एक्स वाई मैंने घटा दिया, फिर मैंने टू वाई जेड ऐड किया और टू वाई जेड घटा दिया, फिर मैंने टू जेड एक्स ऐड किया और टू जेड एक्स घटा दिया। टू पहले से है वहाँ पर, तो वो फोर हो जाएगा, है ना। इससे आपको क्या मिलता है, अगर यहाँ से ही लेकर यहाँ तक और देखें तो ये एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर हो जाएगा, और माइनस फोर कॉमन ले लेंगे तो एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की ये हमारी टर्म बनेगी, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, वी इक्वल टू, ये क्या बन जाएगा हमारा, आप देख सकते हैं इक्वेशन वन में, ये बन जाएगा यू स्क्वायर माइनस ये हो जाएगा फोर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। तो इससे हमारी जो वैल्यू है वो निकल जाएगी एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू हम निकाल सकते हैं इस इक्वेशन से, और ये होगी, इसको उधर लाएंगे प्लस का और ये उधर जाएगा माइनस का, यू स्क्वायर माइनस वी और डिवाइड बाई फोर। तो ये हमने एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स की वैल्यू निकाली है, जिसको कि मैं इक्वेशन नंबर फोर का नाम दूंगा। इक्वेशन फोर के बाद हमारे पास आ गई वैल्यू एक्स वाई वाई जेड जेड एक्स की। अब हम इक्वेशन थ्री को उठाएंगे, है ना, बाय थ्री। इक्वेशन थ्री हमारी क्या है वो भी देख लेते हैं। इक्वेशन थ्री है हमारी डब्ल्यू इक्वल टू एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब माइनस थ्री एक्स वाई जेड। ये इक्वेशन मैंने उठाई। अब हम क्या करेंगे, इस डब्ल्यू के फैक्टर की फॉर्म में इसको लिखेंगे। इसके फैक्टर होते हैं एक्स प्लस वाई प्लस जेड, पार्शियल डिफरेंशिएशन में मैंने इसके फैक्टर आपको बताए थे, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर
माइनस एक्स वाई माइनस वाई जेड माइनस जेड एक्स, जिसको हम लिख सकते हैं डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड। और इसमें भी हम सेम काम करेंगे फिर से, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, इसमें हम क्या करेंगे एक्स वाई जोड़ेंगे, टू एक्स वाई जोड़ेंगे और टू एक्स वाई घटाएंगे तो थ्री हो जाएंगे, फिर टू वाई जेड जोड़ेंगे और टू वाई जेड घटाएंगे, ऐसे ही इसमें हम टू जेड एक्स जोड़ेंगे और टू जेड एक्स घटाएंगे। तो ये जो ब्रैकेट वाला पोर्शन है ये बन जाएगा एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर। तो एक्स प्लस वाई प्लस जेड इंटू एक्स प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर, माइनस थ्री कॉमन लेने पर एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, सब की वैल्यू आपके पास है, सारी वैल्यू इसमें पुट कर देंगे। डब्ल्यू इक्वल टू एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ये वैल्यू है यू की, आप देख सकते हो ऊपर इक्वेशन वन में ये वैल्यू हमारी यू की है। तो ये हो जाएगा यू इंटू यू स्क्वायर माइनस थ्री इंटू, इसकी वैल्यू मैंने निकाल रखी है एक्स वाई प्लस वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स, इसकी वैल्यू हमारी इक्वेशन फोर में है और इसकी वैल्यू है यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन फोर। तो यू स्क्वायर माइनस वी अपॉन फोर, तो हमने इसको सॉल्व कर देना है, सॉल्व करके आपको यू वी डब्ल्यू के बीच में फाइनल रिलेशन मिल जाएगा, है ना। और ये रिलेशन हमारा होगा यू इंटू फोर, हम एलसीएम ले लेंगे, ये हो जाएगा फोर फोर एलसीएम फोर यू स्क्वायर माइनस थ्री यू स्क्वायर और प्लस थ्री वी, है ना। और दिस इम्प्लाइज डब्ल्यू इक्वल टू हमारा बनेगा यू इंटू यू स्क्वायर प्लस थ्री वी अपॉन फोर, और यही हमारा यू वी डब्ल्यू के बीच में रिलेशन होगा। ये क्वेश्चन 10 नंबर में पूछा जा चुका है कई बार, ठीक है ना। तो इसको आप अच्छे से प्रैक्टिस करें, क्योंकि रिलेशन वाला जो काम है थोड़ा सा उसमें प्रैक्टिस करनी होती है, उतना सीधा काम नहीं होता है। जैकोबियन को जीरो दिखाना बहुत ईजी है, लेकिन जो रिलेशन हमें बनाना होता है उसमें आपको कम से कम दो बार प्रैक्टिस करनी होगी, तभी आप इस क्वेश्चन को कर पाएंगे। तो आज के इस लेक्चर में इतना ही, थैंक यू फॉर